अपना बिहार सचमुच में अजब है और बिल्कुल ही गजब है। हमारे पीछे देखिए ये जमुई का गिधेसर वाटरफॉल है, जहां 48 डिग्री की इस टेम्परेचर में युवा इधर में चिल हो रहे हैं। आइए, आपका जमुई का ये वाटरफॉल बाहें फैलाए आपके स्वागत के लिए तैयार है। तो देर किस बात का, कैसे आना है, कहां पर है ये और कैसे आप यहां तक पहुंचेंगे, वो सब इस वीडियो में जानकारी होगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां का लोकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप ही लोग वायरल किए हैं, एक साल मेहनत किए लगातार, तो वायरल हो जाता है। हाँ, क्या क्या मेहनत की उसमें? हम लोग लगातार एक साल तक हम लोग झरना गए, हमेशा वीडियो बना के डालते थे। अच्छा, इसी पुल से नीचे उतर जाना है ये, और पीछे पहाड़ी है। इन लोगों का मेहनत रंग लाया है, बता रहे हैं आज 10,000 लोग गए हैं। पूरा सुनसान रास्ता है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, एक दो छिटपुट बस्ती आदिवासियों का कहीं कहीं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आदमी गया है आज उधर? आज कम से कम हमको लगता है गाड़ी 1,000 है, आदमी हमको लगता है 5,000 हो जाएगा। 5,000 लोग। पार्किंग का रसीद ऐसा मिल जाता है यहाँ? लगातार जो है लोग आ रहे हैं वाटरफॉल को देखने के लिए। नया वाटरफॉल मिला है, और ये जो युवा है पीछे में, ये लोग बता रहे कि पिछले एक साल से वो लोग प्रयास किए हैं इसको एक्सप्लोर करके लोगों को बताने के। एक साल से ज़्यादा हो गया, लगातार दिखा रहे कि लोग इसे जाने और लोग यहाँ आए, और अब जा करके लोगों का भीड़ जुटना शुरू हुआ है। हम भी पहुँचे हैं जादुई जमुई, जो जमुई का पेज है, 6 महीना पहले इस वीडियो को लगाया था वो, और उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया कि भैया आइए एक बार, आप भी एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए अभी चलेंगे। ड्रेस बदलना है, कपड़े चेंज करना है, बोल रहे हैं कि जींस पहन करके मत जाइए, चेंज करेंगे फिर हाफ पैंट में चलेंगे आपको लेकर के। पहचाने नहीं तो चलिए आप पहचान लीजिए, गमछा होड़ा बिहारी है ये। और ये देखिए पार्किंग स्लॉट है ये, नया वाला जमुई का वाटरफॉल का। और सामने इस तरह का भीड़ है, संडे है आज, लगभग 5,000 से 10,000 के बीच लोग पहुँचे हैं। ये पीछे जो पहाड़ी दिख रहा है, इसी पहाड़ में वाटरफॉल है, यहाँ से वॉक करके जाना होता है। सामने हम आए थे यहाँ पर, जब लेकर के आए गाड़ी, ये लोग बताए कि भीड़ बहुत हो गया है, गाड़ी इधर ही पार्क कर दीजिए। सच में इधर में बहुत भीड़ है, गाड़ियों की का देखिए एकदम जो है जमावड़ा लगा हुआ है, और यहाँ लोग लगातार आ रहे हैं हमारे जिस तरह हम लोग आए हैं। अभी ले चलेंगे आपको, दिखाएंगे किस तरह का वाटरफॉल है, और आप आएंगे तो कितना आनंद आने वाला है, इस वीडियो में बने रहिए। तो जमुई का ये नया वाला वाटरफॉल पीछे हमारे इस पहाड़ी में है। ऐसा नया चीज़ मिलता है तो उसका उत्सुकता लोगों में होता है, उसको देखने के लिए जब लोग पहुँच रहे हैं, या कहिए इस चिलचिलाती गर्मी में चिल होने के लिए वाटरफॉल जाने के लिए युवाओं की तादाद बढ़ते जा रही है। यहाँ पर वो हज़ारों बाइक्स दिख जाएगा जो पार्क है, और ऐसा पोजिशन कि जब हम आए तो बोला कि ये जो पार्किंग एरिया इधर वाला फुल हो गया, आप थोड़ा पीछे ही लगा लीजिए। उधर गाड़ी हमने लगाया है, और पटना से आप चलेंगे तो सीधा जमुई आना, जमुई के बाद जो है कौन सा किला था वो पीछे, हाँ, आपको सीधा खैरा आ जाइए, खैरा के बाद वो रास्ता सीधा चलते हुए कौन सा बाग था आपका ये वाला, बड़ी बाग, खैरा से सीधा चलता हुआ रास्ता बड़ी बाग आ जाएगा, और बड़ी बाग से रास्ता मुड़ता है इधर की तरफ इस पहाड़ी के किनारे किनारे, आपको बताया दिखाई दिया लोकेशन में, ये रास्ता सीधा यहाँ से पैदल चल के जाना अभी बना नहीं है, लेकिन टूरिज्म विभाग के लोगों को एक बार फिर से हम कहेंगे, बढ़िया आप कहते हैं कि एक्सप्लोर कीजिए, तो आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसे पहाड़ियों को, ऐसे युवा खोज करके निकालते हैं। बता रहे हैं ये लोग कि एक साल मेहनत किए हैं, इसको प्लस मेहनत किए हम लोग इसको वायरल करने, हाँ एक साल से मेहनत कर रहे हैं कि लोग जाने और लोग यहाँ पहुँचे। एक साल के मेहनत के बाद जब लोग यहाँ जुटने लगे हैं, तब जो है हम भी पहुँचे हैं रिकॉर्ड करने के लिए। अभी चलेंगे आपको लेकर के, कितना आनंद आता है, बस बने रहिए हमारे साथ। ये वाला जो पानी देख रहे हैं आप बगल से, ये वाटरफॉल से पानी आ रहा है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और उधर जब चले थे तो पठारी एरिया था एकदम, और यहाँ देखिए पूरा जंगल है, जिधर से घूम जाइए पीछे देखिए उधर से शुरू हुआ जंगल, और कैमरा अगर गौतम इधर घुमा दे तो ये देखिए जंगल एकदम पहाड़ तक सट गया है। इसके बाद जो है 400-500 मीटर बाद जो है पहाड़ी एरिया शुरू हो जाएगा, फिर ट्रैक करेंगे हम लोग और तब वहाँ तक पहुँचेंगे। इसमें क्या है, ये हांडी है, और इसमें हांडी में क्या मटन है, है? मटन है, मटन अहुना मटन बनेगा, हाँ माँ बनेगा मटन, कहाँ पे, माँ पे जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग नहाने, देखिए जुगाड़ देखिए मटन और हांडी, ये देखिए अहुना लेकर के जा रहे हैं, इसके अंदर में मटन है, यस देखिए मेरे मटन है, मटन लेके जा रहा, मसाला
मसाला वो बैग में सब है, वही बनेगा, वही बनेगा, जहाँ चाह वही रहा समझे। पिकनिक उकनिक सब होने लगा है इधर में, तो इधर से चलते हुए सीधा पहुंच गए। ये पहला वाला वाटरफॉल है, ये सामने देखिए लोगों को मस्ती करते हुए उधर में, पूरा जो रास्ता है पानी गिरने का वो पूरा इस पर लेटे हुए हैं लोग, गर्मी में एकदम ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं। और ये पानी इधर से देखिए बहता हुआ, इस रास्ते पर भी लोग एकदम लेट लेट के आनंद ले रहे हैं। ऐसा तीन वाटरफॉल है आगे, पहला ये, दो और है ऊपर, अभी ट्रैक करेंगे हम, ऊपर वाले तक ले करके चलेंगे, फिर दिखाएंगे आपको कितना शानदार है, आएंगे तो क्या मज़ा आएगा और ट्रैकिंग का भी आपको आनंद मिलेगा। चलते हुए रास्ता, गौतम इधर में लेकर के आए कैमरा तो सामने दिखेगा, वहाँ से देखिए ऐसे रास्ता जाता ऊपर की तरफ ट्रैक होते हुए, ये वाला चिकन रेडी होने वाला है। और क्या बन रहा है इसके साथ में, है मूढ़ी और चिकन, अरे वाह, इतना सामान ढो के ले आए ऊपर, कहाँ से आए भैया, खैरा से, अरे देखिए बगल वाले लोग ही हैं लोग, मतलब चिकन मूढ़ी चलेगा आज। ये है अपने बिहार का नया वाला वाटरफॉल, जी हाँ जमुई में इन पहाड़ों के बीच में एक नया वाटरफॉल लोगों ने ढूंढ निकाला है, और अब लोगों की तादाद यहाँ ऐसे जुटने लगी है कि देखिए जहाँ से पानी गिर रहा है वहाँ लोग छेक करके खड़े हैं। और लगातार हम जिधर से आए चलते हुए रास्ते भर में लोग आते जाते हुए हमें मिले, और कंटिन्यूस लोगों का आना जाना जारी है। जो लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं रोक नहीं पा रहे खुद को, एक बार खुद से यहाँ आनंद ले लेना चाहते हैं, आप भी आइए लेकिन सिर्फ मेल मेंबर्स के साथ, और यहाँ इस तरह के वाटरफॉल में ठंडे पानी में इस गर्मी में चिल होने का आनंद लीजिए। चलिए आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दूसरा वाला वाटरफॉल है लेकिन भीड़ इतना कि देखिए जिधर से भी पानी गिर रहा है उसके उसका जो रास्ता पूरा छेक करके लोग खड़े हैं, और ऐसे नई जगह मिल रहा था जहाँ से पानी गिर रहा वहीं लेट जा रहे हैं लोग। इस तरह का जो जोश है वो वाटरफॉल में ही देखने को मिलता है। वहीं कैमरा अगर इधर में पैन हो जाए इस तरफ में देखिए, नहाने के बाद इधर में चिकन और चावल लोग पकाए हैं, इधर पक भी रहा है और खा पी के इंजॉय भी कर रहे हैं, दोनों ही तरह का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ से वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर एक और वाटरफॉल है, लोग ट्रैक करते हुए आए, BPM 125 हो गया था हमारा लेकिन फिर भी हम यहाँ तक चढ़े आपके लिए, कोशिश करेंगे आगे अगर ठीक रहा महसूस किए स्वस्थ तो ऊपर तक चढ़ेंगे, नहीं तो यहीं से लौटना होगा, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बिहार अपने नए नए चीज़ों के लिए, या कह लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, उसके लिए बड़ा जवाब है कि ऐसे ऐसे वाटरफॉल जिसको आज तक लोगों ने ढूंढा नहीं, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इन लोगों ने ढूंढ निकाला है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए, और आप कब आ रहे हैं हमारे वीडियो में, आने के बाद अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। भीड़ देख लीजिए, कार्डियक मरीज को भी जो है ऐसा ट्रैकिंग करना होता है। अभी जो है 200-250 फीट ऊपर चढ़ना है, लेकिन चढ़ेंगे आपके लिए तस्वीरें रिकॉर्ड करेंगे। जमुई के इस पहाड़ में ये शानदार वाटरफॉल, जहाँ देखिए पूरे बिहार के युवा अब यहाँ पहुँचने लगे हैं इस चिलचिलाती गर्मी में चिल होने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको दो सावधानियाँ बता रहा हूँ। पहला, जब आप यहाँ आएंगे सिर्फ मेल मेंबर्स के साथ आइएगा, गर्लफ्रेंड या फैमिली को मत लाइएगा। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं और कहीं भी आप खाना पका करके खाते हैं तो जो गंदगी इस तरह से फैलाते हैं ना नीचे, ये आपको बटोर करके वापस ले करके जाना है, इसका भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आने वाले समय में जब यह गंदा होगा तो दोबारा फिर आपको आने का ही मन नहीं करेगा। तीसरा, जो लोग वहाँ चढ़ करके जंप करते हैं ना, बड़ा रिस्की है, तो जो लोग आएंगे उसको बता के भेजिएगा, बड़ी सावधानी से नहाना। पूरा ट्रैक जो है आधा जंगल वाला एरिया है, आधा पठारी एरिया है, और आधा जो है पहाड़ का ट्रैक है, यानी लगभग 1-1.5 किलोमीटर ट्रैक करना आपको, 1-1.5 किलोमीटर जंगल में चलना, फिर 1-1.5 किलोमीटर पठारी एरिया में चलते हुए आना, तब जाकर यहाँ पहुँचेंगे। पहला वाटरफॉल, दूसरा वाटरफॉल, और ये वाला तीसरा वाटरफॉल है जहाँ खड़े। तो आप यहाँ आएंगे तो हमको लगता है कि कोकोला तभी भूल जाएंगे, क्योंकि कोकोला तो बंद है। ऐसे में ठंडे पानी वाला ये पहला वाटरफॉल अब बिहार का बच गया है, जिस पर आज युवा यहाँ आकर के हजारों की संख्या में
नहा रहा है, कैसे ढूंढे आप यहाँ इसको? हम लोग लड़के लोग हमेशा ये जंगल में 10-12 लड़के होके सब घूमने के लिए निकलते हैं, क्या क्या है जो छुपा हुआ है किसी को नहीं पता, वो लोग हम लोग दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। पहला वीडियो कब रिकॉर्ड किए थे इसका? पहला वीडियो हम सब 2022 में अगस्त महीना में 22 अगस्त को हम लोग अपलोड किए थे। तो समझ लिए पहला वीडियो इसका 22 अगस्त 2022 का इस वाटरफॉल का आया था, और आज जब समझ लगभग 2 साल हो रहे हैं तो इधर भीड़ देख लीजिए कि क्या क्या किए उसके बाद। उसके बाद हम लोग लगातार 1 साल तक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से डालते रहे, तो धीरे धीरे लोग को पता चला कि झरना है। तो 3 साल से अभी का आबादी देख सकते हैं आप, पता चल जाता है कि लोग कितना आ रहा है। हम लोग का मेहनत जो था सक्सेसफुल हो गया है। और अगर आप भी बिहारी हैं और अलग जगह से देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। बाकी आपको छोड़े जा रहे हैं इसके ब्यूटीफुल तस्वीरों के साथ।